हेलो माय टाइनी फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड लक्ष्मी हियर। आई वेलकम यू ऑल टू ईवीएस क्लास। आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी एट योर होम। इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न्ड हाउ टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन, फिट एंड हेल्दी। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न लेसन 6। एंड What is the name of lesson 6? Yes, the name of lesson 6 is Home, Sweet Home. So, by the end of this video, you will be able to understand the importance of a house. So, are you ready? Let's begin. But before starting this chapter, I want to ask some questions. And I hope you'll answer my question. So, my first question is, Where do you live? Where do you live? यानी आप कहाँ रहते हैं? Yes, think and answer. Yes, you live in Rewari. Very good. I also live in Rewari. But where do you live in Rewari? Rewari में आप कहाँ रहते हैं? Oh, you live at your home in Rewari. Very good. आप अपने होम में रहते हैं। वेरी गुड। ओके, कैन यू टेल मी हाउ डू वी स्पेल होम? यस, एच ओ एम ई, होम। वेरी गुड, होम मीन्स हाउस यानी घर। वेरी नाइस। ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाई डू वी नीड अ होम? हमें एक होम की नीड क्यों होती है? नीड मीन्स जरूरत, यानी हमें एक घर की जरूरत क्यों होती है? यस, कम ऑन, थिंक एंड आंसर। यस, यू डोंट नो, इट्स ओके। रेहान इज हियर टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज रेहान। रेहान आपको बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि हमें घर की जरूरत क्यों होती है, यानी घर की इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस इज रेहान, ये रेहान है। ओके, एंड This is Rehan's house. ये रेहान का घर है। Here Rehan lives with mummy, papa and his pet dog Chika. So यहाँ पर रेहान जो है अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, और साथ में कौन रहता है? उसका एक pet dog जिसका नेम है Chika, Chika, Chika. So here Rehan is going to tell you the answer of that question. So, look at the board and just repeat after me. My house protects me from the sun, the wind and the rain. यहाँ पर रेहान आपको बता रहा है कि माई हाउस, मेरा घर, प्रोटेक्ट्स मी मुझे बचाता है फ्रॉम द सन, सन से। सन मीन्स सूरज, यानी सूरज से जो गर्मी होती है, जो धूप होती है, उस धूप से, उस गर्मी से, उस सन से हमें कौन बचाता है? घर। द विंड यानी कि हवा, तेज हवा जब चलती है, तूफान आते हैं, तो आप कहां पर रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, तो इस तरह से आप विंड से भी बचते हैं। एंड द रेन, रेन मीन्स बारिश। ओके, तो यहां पर रेहान हमें बता रहा है कि माय हाउस प्रोटेक्ट्स मी, कि मेरा घर मुझे बचाता है फ्रॉम द सन, सूरज से, द विंड हवा से, एंड द रेन बारिश से, यानी तेज बारिश से, तूफान से, सूरज की गर्मी से हमें हमारा घर बचाता है। इट कीप्स मी सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इट कीप्स मी, यह मुझे रखता है सेफ, सेफ रखता है। इट किसके लिए यूज हुआ है? यस, हाउस के लिए। इट कीप्स मी सेफ, ये मुझे सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। किससे? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स आप सबको पता है,
बट वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, ओके, उन एनिमल्स को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि लायन, टाइगर, ओके। तो इस तरह वाइल्ड एनिमल से भी हमें बचाता है हमारा घर। माय हाउस हैज मैनी डोर्स, मेरे घर में बहुत से डोर्स हैं। डोर्स क्या होते हैं? दरवाजे। डोर्स क्या होते हैं? दरवाजे। देखो, दीज आर डोर्स, ये डोर्स हैं, DOORS, डोर्स। तो मेरे घर में दरवाजे हैं। कौन बता रहा है ये बात हमें? रेहान बता रहा है कि माय हाउस हैज मैनी डोर्स, कि मेरे घर में बहुत से दरवाजे हैं। एंड विंडोज, विंडोज मीन्स यस, खिड़कियां। तो मेरे घर में बहुत से दरवाजे एंड खिड़कियां हैं, यानी डोर्स एंड विंडोज है। एंड विंडोज देखिए, दिस इज विंडो, WINDOW, विंडो, दिस इज विंडो। तो रेहान बता रहे कि मेरे घर में बहुत से विंडोज हैं, डोर्स हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज वी एंटर आर हाउस थ्रू मेन डोर। वी एंटर, हम एंटर करते हैं, यानी जब हम अपने घर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, बाहर से आते हैं, तो जिस दरवाजे से हम अपने घर में एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेन डोर। आप मेन गेट भी उसे कहते होंगे। सो मेन डोर से हम अपने घर में एंटर करते हैं। सो दिस इज रेहान्स हाउस, एंड यहां से अगर रेहान एंटर करता है तो ये हमारा मेन डोर है, ओके। सो लुक हियर, द विंडोज लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। द विंडोज, खिड़कियां लेट इन, अंदर आने देती हैं किसे? सनलाइट, सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी। एंड फ्रेश एयर, और ताजी हवा। तो जो हमारे हाउस में, हमारे घर में सनलाइट और फ्रेश एयर आती है वो कहां से आती है? हमारे घर की विंडोज के थ्रू, ओके। माय हाउस हैज अ रूफ, और घर की एक रूफ भी होती है। लुक हियर, दिस इज रूफ, ROOF, रूफ, ROOF, रूफ, दिस इज रूफ। सो हियर रेहान इज टेलिंग दैट माय हाउस हैज अ रूफ एंड वॉल्स, WALLS, वॉल्स। सो मेरे घर में रूफ है एंड वॉल्स है। लुक हियर, दिस इज वॉल, WALL, वॉल। वॉल मीन्स यस, दीवार। ये जो है ये वॉल्स है, ये क्या है? वॉल्स है, यानी कि दीवार। द रूफ कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस। द रूफ, रूफ यानी कि छत, दिस पोर्शन इज रूफ। द रूफ कवर्स, कवर्स मीन्स ढकती है। आप देखेंगे यहां पे कि ये जो रूफ है ये कवर कर रही है किसको? द टॉप ऑफ द हाउस। टॉप होता है बिल्कुल जो ऊपर का, ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसको। तो हाउस के टॉप पोर्शन को कवर कौन कर रहा है? रूफ कवर करती है, ठीक है। तो हमने इस तरह से जाना कि हमारा जो घर है वो हमें सन से, विंड से और रेन से और वाइल्ड एनिमल से बचाता है। एंड घर में क्या क्या होते हैं? डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, एंड द विंडोज लेट इन सनलाइट एंड द फ्रेश एयर। और जो विंडोज है वो सनलाइट को और फ्रेश एयर को हमारे घर में आने देती है। एंड माई हाउस एज अ रूफ एंड वॉल्स, और घर में रूफ एंड वॉल्स होती है। द रूफ कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस, और जो रूफ होती है, रूफ यानी कि छत, जो रूफ होती है वो हमारे हाउस के टॉप पोर्शन को कवर करती है, यानी कि ढकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि हम किस तरह से अपने घर में सेफ रहते हैं, ओके। तो हमारा घर जो है हमें इतनी मुसीबतों से बचाता है, यानी कि गर्मी से, वाइल्ड एनिमल से, विंड से, ओके। तो इस तरह से हम अपने घर में रहकर सेफ रह सकते हैं।
So now I hope you understood everything whatever is taught to you. So now I am going to ask some questions and I hope you will be able to answer my question. So my first question is, what does your house protect you from? What does your house protect you from? Yani aapko aapka ghar kis cheez se bachata hai, kis cheez se aapko protect karta hai? Yes, tell me. Yes, here Rehan is telling, my house protects me from the sun, the wind, the rain and the wild animals. Very good. हमारा जो घर है हमें किस किस चीज से बचाता है? सूरज से, तेज हवा से, तूफान से, बारिश से एंड वाइल्ड एनिमल से. वेरी गुड. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द रूफ इम्पोर्टेंट? रूफ जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आपने देखा कि घर में रूफ होती है. अब ये रूफ जो है ये हाउस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है? कैन यू टेल मी? रूफ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस. रूफ हमारे हाउस के लिए इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इट कवर्स द टॉप ऑफ द हाउस, क्योंकि ये हमारे घर के टॉप पोर्शन को कवर करती है. अगर हमारे घर में रूफ नहीं होगी तो क्या होगा? जिन जिन चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, क्या वो हमारा हाउस हमें प्रोटेक्शन दे पाएगा? नहीं. अगर रूफ नहीं होगी तो सनलाइट जो है वो भी डायरेक्ट एंड रेन जो है वो भी डायरेक्ट आपके घर में आएगी, है ना, और इस तरह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. तो रूफ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हाउस का. सो टुडे यू न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस. आज आपने जाना कि एक घर की, एक हाउस की क्या इम्पोर्टेंस होती है. सो वी शिल कवर रेस्ट ऑफ द कंटेंट इन आर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू हैव टू रीड दिस टॉपिक केयरफुली and learn underlined words given here. So I hope you enjoyed today's class. For any doubt related to today's work, you can ask me anytime.